सब्जियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। आज असलियत यह है कि इस देश में टमाटर 160 पे है, धनिया 200 की है, अदरक 400 की है, मिर्ची 400 की है, लहसुन 130 का है, परवल 80 का है, अरबी 80 की है, भिंडी 70 की है। आटा कॉमन फ्लावर के दाम में 46% वृद्धि हुई है। चावल 25 रुपए किलो बिकता था, अब 36 के ऊपर पहुंच गया है। दाल जो 72 की थी वो 160-170 के बीच की मिल रही है। सरसों का तेल 90 से दोगुना होकर 185 पार कर चुका है। नमक का दाम जो कभी 13 रुपए होता था वो 20 के ऊपर है। और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा, महंगाई डायन खाए जात है, उसकी लाइन में बस संशोधन ये है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। कल बेरोजगारी के आंकड़े आए, 2 साल में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर। मोदी सरकार की ओर से आपको इस पर कोई भी न प्रतिक्रिया मिलेगी, न एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मस्त हैं साहब बहादुर, मस्त हैं, दुनिया देश त्रस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो बेरोजगारी के आंकड़े आए उससे समझ में आता है रोजगार कम है, उससे समझ में आता है आय कम है, और महंगाई जो कमर तोड़ रही है वो और ज्यादा तोड़ रही है। आपने सुपरमैन देखा है, आपने स्पाइडरमैन देखा है, आपने ही मैन देखा है। आज आपको एक कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी एक देश की है, एक देश में एक राजा की है, जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं। सुपरमैन स्पाइडरमैन अब पुराने हो गए, महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है। जहां महंगाई बढ़ जाती है, टमाटर ट बोलता है टमाटर महंगा हो जाता है, पेट्रोल पा बोलता है पेट्रोल महंगा हो जाता है। जनता अपने राजा से बड़ी त्रस्त थी, जो थोड़ी बहुत कमाई थी सब महंगाई मैन को समर्पित थी, और जो थोड़ी बच जाती थी वो टैक्स वाले लूट लेते थे। राजा को इस बात की भनक थी कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, और उसी लिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे। वो कहते थे फेकुस्तान में टमाटर बहुत महंगा है, फेकुस्तान में आटा बहुत महंगा है। तो राजा इसी में मस्त रहता था कि चेले जो हैं वो फेकुस्तान की बात कर रहे हैं, उसकी प्रजा की, उसके देश की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ चेले ऐसे भी थे जो टमाटर 140 होने पर जनता को समझाते थे कि टमाटर मत खाइए पथरी हो जाएगी, मिर्ची कम खाइए अल्सर हो जाएगा, लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, देश विरोधी हरकतें आप बिल्कुल मत करिए। तो राजा को ऐसे लोग थे जो समझाते थे, लेकिन असलियत यह है कि जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी हैं। और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा, महंगाई डायन खाए जात है, उसकी लाइन में बस संशोधन यह है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है।